हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड यशी। चलिए आज के इलस्ट्रेशन ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैंने दो रेफरेंस पिक्चर्स ली हैं जिसको मैं कंबाइन करके एक वाटर इलस्ट्रेशन में मैं यहां पे बनाऊंगी। ये एक ट्रॉपिकल बर्ड है जिसका नाम मकाऊ है। तो यहां पे बेसिक शेप्स जो होते हैं बर्ड के, उसको ड्रॉ करते हुए मैं यहां पे इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर रही हूं। और काफ़ी सारा स्क्रबल हो गया था, मुझे वाटर कलर से पेंट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जितनी भी आउटलाइंस है मेरी पेंसिल की, मैं यहाँ पे इरेज करना चाहती थी। तो कम से कम लाइंस शो हो, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा छोटी छोटी लाइंस का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने आउटलाइन बना दी है, ताकि मैं पेंसिल अच्छे से इरेज करने के बाद ही मैं उसमें कलर करूँ। और यहाँ पर मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि जो बेसिक कलर्स मुझे कलरिंग के समय जो मुझे यूज़ करने हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना दिया है, जो कि आप जब फिनिश प्रोडक्ट होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए जल्दी से कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और वाटर ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो वाटर ब्रश पेन से पहले मैंने अपनी जो सरफेस थी जहाँ पे मुझे कलर करना था, मैंने उसको वहाँ पे वॉश कर लिया। उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर उस पर वर्क कर रही हूँ। और आप देखो, आप ध्यान दें, जैसे कि जिस पोर्शन में मैं कलर कर रही हूँ वहीं पे मैं शेडिंग को करती जा रही हूँ। तो जिस स्पेस पे आप हैं, तो उस उतने छोटे पोर्शन का ही आपको जो है शेडिंग आप करते जाना है आपको। और इसको बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आया, मैं बता नहीं सकती मैं कितने समय से ये इलस्ट्रेशन बनाना चाहती थी। ऑलमोस्ट यू कैन से 10 ईयर्स, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में कॉलेज के असाइनमेंट्स होते थे, और कुछ भी अपने से बना पाना, या यू नो थीम होती है, या एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको लाइफ स्केचेस 100 सबमिट करने हैं कॉलेज में। तो उसके वजह से क्या होता है कि आप जो एक्चुअल में बनाना चाह रहे हो, या आपकी जो खुद की एक एज अ आर्टिस्ट की जो इचिंग होती है या क्रेविंग होती है कि मुझे ये बनाना है, तो उसके लिए आप समय ही नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि लेक्चर्स होते हैं, कॉलेज जाना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक मोस्ट अवेटेड स्केच, आप ड्राइंग बोल सकते हो आप मेरे लिए। तो होपफुली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और आप भी अपने इसको आप घर में ट्राई करेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लोजली आपको देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो को बहुत ही स्पीड अप कर दिया है। मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि कहीं आपको मैं बोर तो नहीं कर रही, तो उसके वजह से मैं वीडियो को स्पीड अप कर देती हूँ, ताकि आप जल्दी से एक आपको रेफरेंस मिल जाए कि कैसे कलरिंग मिक्स हो रहा है, या कैसे मैं कलर्स को मैं यूज़ कर रही हूँ, या कैसे शेडिंग दे रही हूँ। मगर जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस में क्या होता था कि टीचर तो एक क्लास में हम लोग के सामने लाइव स्केचिंग करते थे, और हम लोग उनको ऑब्ज़र्व करते थे कि उन्होंने कैसे कलर लिया, कैसे मिक्स किया, और छोटी छोटी टेक्निक्स या छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं, तो वो हम लोग उनको ऑब्ज़र्व करके और देख के ही सीखते थे। तो यही सबसे अच्छा तरीका है सीखने का, और यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो देखें और जो आपको इंस्पायर करे, जो भी आर्टिकल या जो भी आपको जो अच्छा लगता हो, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप शुरू करें और ड्रॉ करें। तो उस जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना ऑब्जर्वेशन होगा, वैसी इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं ब्रश पेन की हेल्प से मैं पूरा जो मेरा स्केच था, पूरा जो मेरा पेंटिंग था, जब ये सूख गया उसके बाद ही मैंने ये स्केल्स बनाई बर्ड की। तो ये माइन्यूट डिटेल्स है, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है एक पेंटिंग को। तो ब्रश पेन होने से तो मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि ब्रश पेन मेरा फेवरेट मीडियम है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, 10 ईयर्स पहले कॉलेज में ब्रश पेन जैसा कुछ भी नहीं था, और आफ्टर सो मैनी ईयर्स मैं देखती हूँ कि कितने अच्छे अच्छे यू नो सॉल्यूशंस आ गए हैं आर्टिस्ट के लिए, जैसे कि मोटर जो जेट इरेजर, शायद यही बोलते हैं उसको, जो बैटरी से चलता है, दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं आने वाले स्केचेस में अगर मैं पेंसिल स्केच करती हूँ तो मैं उसको भी लेके आऊँ, मैं उसको भी ट्राई करूँ आपके सामने। और
काफ़ी सारा यू नो इंटिमिडेटिंग हो जाता है कैमरे के सामने कलरिंग करना। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और मैं यहाँ पे उसके जो फेदर्स हैं मैं लाइन बाय लाइन और उसी में ही मैं दो तीन कलर्स का शेडिंग देके मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो वन गो में मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसको बनाने के लिए मुझे 4 hours लगे और मैं इसको 10x की स्पीड में मैं आपको शो कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको स्केच? मैं बार बार स्केच बोल देती हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये इलस्ट्रेशन और ड्राइंग? आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आप अगर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, आप देख रहे हैं आपको ये स्केच का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा और एक कम्युनिकेशन होगा आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने दोनों ही जो रेफरेंस की जो इमेजेस थी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाई उनको ही यूज़ करते हुए मैंने कंबाइन करते हुए मैंने ये इलस्ट्रेशन बनाई है। और एंड रिज़ल्ट से तो मुझे लगा कि मैं खुश हूँ। और कहीं कहीं पे मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने पेंसिल कलर का भी यूज़ किया। जैसे कि मैंने बताया मैं आफ्टर 10 years मैं आर्ट को दोबारा से शुरू कर रही हूँ और मुझे बहुत सारी एक जैसे छोटे बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है वैसे ही मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्ट मीडियम को यूज़ करूँ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर्ट को प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन था और पोस्ट ग्रेजुएशन था उस टाइम पे मैं एक और कोर्स कर रही थी जिसकी वजह से मैं एक तरीके से मैं 100% अपने आर्ट को मैं आर्ट की जो मेरा ग्रेजुएशन था मैं उसको नहीं दे पाती थी। तो अभी मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि मैं कैसे आपके लिए हर हफ्ते नए टॉपिक पे एक वीडियो लाऊं। आपको ये इलस्ट्रेशन का ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह मैं आपके लिए आर्ट से रिलेटेड वैल्यूबल कॉन्टेंट बनाती रहूँगी। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।